गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की थॉट ऑफ द डे है, जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं है, हर सुबह आपका नए तरीके से इंतज़ार करती है। तो हर सुबह जो आती है वो नए तरीके से इंतज़ार करती है। तो आज का टॉपिक है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं थ्रोम्बस के बारे में, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बस कैसे बनती है, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब है एम्बोलिज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एम्बोलिज्म मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, एक थ्रोम्बस अगर बनती है, एक क्लॉट बन जाता है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है या कोई भी वेन के अंदर अगर थ्रोम्बस बनती है और थ्रोम्बस टूट कर अगर मूव करती है तो वो एम्बोलिज्म का रूप ले लेती है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ये चीज़ कि एक थ्रोम्बस जब बनती है और क्लॉट का कुछ हिस्सा टूट कर फ्लो करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकता है, वो एम्बोलिज्म कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, एम्बोलिज्म कहलाता है। तो फर्स्ट द टर्म ऑफ एम्बोलिज्म वाज फर्स्ट यूज इन 1898 बाय रुडोल्फ कॉल विर्चो। इसके द्वारा जो कॉल विर्चो है, इसके द्वारा ये वर्ड यूज किया गया एम्बोलिज्म, कौन सी सन में, 1898 के अंदर, 1898 के अंदर फर्स्ट इसने यूज किया। साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ कॉल विर्चो। द वर्ड ऑफ एम्बोलिज्म इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कुछ वर्ड जैसे लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं और कुछ ग्रीक वर्ड, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द मीनिंग ऑफ प्लग और स्टॉपर, इसका मीन क्या होता है, या तो होता है प्लग या स्टॉपर के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, मूविंग फ्रीली इन लिक्विड गैस, लिक्विड गैस या सॉलिड फॉर्म इन ए डक्ट, अगर कोई फ्रीली लिक्विड गैस के रूप में या सॉलिड फॉर्म के रूप में, सॉलिड फॉर्म के रूप में डक्ट में रहता है तो वो क्या कहलाता है, द फॉरेजन मास इज कॉल्ड एम्बोलाई, और वो मास क्या कहलाता है, एम्बोलाई कहलाता है। या तो वो लिक्विड रूप में हो सकता है या सॉलिड रूप में हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्बोलाई कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इट फॉर्मेशन इज एम्बोलिज्म, और इस बनने की, ये जो लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एम्बोलिज्म कहलाती है। तो अबाउट 90% ऑफ एम्बोलिज्म रिजल्ट ऑफ डिस्क्लोजमेंट ऑफ थ्रोम्बस। तो क्या होता है कि जो 90% जो एम्बोलस बनती है वो क्या है, थ्रोम्बस के टूट कर आगे जाने से उसकी वजह से बनती है। 90% जो थ्रोम्बस एम्बोलाई बनती है वो थ्रोम्बस की वजह से बनती है, क्योंकि वो क्या होता है, ब्लड कलर इकट्ठा होता है और वो टूट कर आगे फ्लो करता है और वो आगे जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर और आगे जाके कहीं पे रुकावट हो सकती है, रोक सकता है किसी जगह या किसी आर्टरी या वेन को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, एम्बोलाई आर क्लासिफाई ऑन फॉलोइंग बेसिस एज बीन, कितनी भागों में इसको डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन यानी इन्फेक्शन, इसको अगर आप चाहे तो इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये एक तो होता है एसेप्टिक एम्बोलाई और एक होता है सेप्टिक एम्बोलाई, दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो एक सेप्टिक और एसेप्टिक एम्बोलाई। और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस के आधार पर, जैसे सॉलिड एम्बुलेंस, एक होता है सॉलिड एम्बुलेंस, एक होता है लिक्विड एम्बुलेंस और एक होता है गैस एम्बुलेंस। जो स्टार्ट में डेफिनेशन के अंदर बनाया था कि एम्बुलेंस क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है और गैस में हो सकती है। तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, थ्रोम्बो एम्बुलाई और पैरासाइटिक एम्बोलाई, दो टाइप की होती है सॉलिड फॉर्म में, तो थ्रोम्बो एम्बोलाई और पैरासाइटिक एम्बोलाई, थ्रोम्बो एम्बोलाइट और पैरासाइटिक एम्बोलाई दो फॉर्म में होती है। तो ये जैसे थ्रोम्बस बनती है, स्टार्ट में ही मैं बता चुका हूँ, थ्रोम्बस बनती है उसका कोई टुकड़ा टूट के फ्लो करता है वो एम्बोलाई का रूप ले लेता है। उसके बाद में लिक्विड एम्बोलस हो सकता है, तो फेट ग्लोबुलाई और एमनियोटिक फ्लूड की वजह से बन सकता है। तो फेट जो बॉडी के अंदर फेट होता है वो उस ग्लोबुलाई की वजह से, और एमनियोटिक फ्लूड होता है, एमनियोटिक फ्लूड मदर के अंदर रहता है
उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ रहते हैं गैस एम्बुलेंस जो एयर बबल की तरह रहते हैं, जो जैसे आईवी 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 लाइन से अपन आईवी फ्लूड देते हैं, या उसके द्वारा भी कोई अगर एयर चली जाए, एयर बबल चला जाए, तो वो भी एम्बुलेंस का रूप ले सकता है। ठीक है, वो भी एम्बुलेंस का रूप ले सकता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर सब्सटेंस के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, देर आर थ्री टाइप ऑफ एम्बुलेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। इसके आधार पर, ओरिजिन के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है कार्डियक एम्बुलाई, सेकंड है आर्टेरियल एम्बुलाई, थर्ड है वेनस एम्बुलाई। तो जो एम्बुलेंस, ये एम्बुलाई जो हार्ट में जाके रुक जाती है, हार्ट में जाके बनती है, हार्ट में बन जाती है, वो कार्डियक एम्बुलाई कहलाती है। जो आर्टरी में बनती है वो क्या कहलाती है, आर्टेरियल, जो आर्टरी में बनती है, और जो वेनस वेन में अंदर बन जाती है वो वेनस एम्बुलाई कहलाती है। तो ये कार्डियक एम्बुलाई, हार्ट आर्टेरियल एम्बुलाई और वेनस एम्बुलाई, ये तीन एम्बुलेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन के आधार पे होती है। कहाँ पे बन रही है उसके आधार पर, ओरिजन मतलब वहाँ पे बन रही है। जैसे हार्ट में बन रही है तो कार्डियक एम्बुलाई, आर्टरी में बन रही है तो आर्टेरियल एम्बुलाई, और वेनस में बन रही है, वेन में बन रही है तो वेनस एम्बुलाई। तो और उसके बाद में नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड सिस्टम, सिस्टम के आधार पर भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड सिस्टम, कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो एम्बोलेंस जो पल्मोनरी लंग्स में या पल्मोनरी एरिया को अफेक्ट करती है, तो वो पल्मोनरी एम्बोलाई कहलाती है। दिस इज द एम्बोलिज्म ऑफ एन एम्बोलाई इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या करती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को रोक देती है। यूजुअली फॉर्म ए डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर फीमोरल, ये देखो फीमोरल आर्टरी के अंदर हो सकता है, फीमोरल वेन के अंदर हो सकता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एम्बोलाई बनता है, और फिर वो ट्रेवल करते करते, जैसे ऐसे ट्रेवल करते करते ये कहाँ पे आ जाता है, ये ट्रेवल करते करते यहाँ पे लंग्स के अंदर आ जाता है। लंग्स में पल्मोनरी जो है ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस एरिया को अफेक्ट करता है। देखो यहाँ से एम्बुलेंस ट्रांसफर होके हार्ट से, और फिर ये पल्मोनरी एरिया को डैमेज कर देता है, और ये लंग्स इससे डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लंग्स में ये डैमेज कर रहा है यहाँ पे। तो ये पल्मोनरी एरिया के अंदर, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ होता है तो लंग्स के अंदर हो जाता है, और वो ट्रेवल करके कहाँ पे, लंग्स के पल्मोनरी आर्टरी या वेन के अंदर जाता है, वहाँ पे ये रुकआउट कर देता है। इज द एम्बोलिज्म ऑन ऑफ एन एम्बोलाई इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन को रोक देता है। तो वो मोस्टली किस में होता है, डीवीटी में होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीप वेन, वेन के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो वो ट्रेवल करके चला जाता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए इमरजेंसी कंडीशन, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है या कंडीशन है। इसके अंदर अगर जल्दी से इसको ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके बाद में सेरिब्रल एम्बोलिज्म, पहला था पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेकंड है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। सेरिब्रल, जो सेरिब्रल आर्टरी के अंदर या वेसल्स के अंदर, वहां पे एम्बुलाई बन जाए, तो एम्बुलेंस इन द वेसल्स ऑफ द सेरिब्रम दैट कॉज ए स्ट्रोक। तो कल भी मैंने बताया था, जैसे थ्रोम्बस बनती है वैसे ही एम्बुलेंस एम्बोलिज्म, अगर सेरिब्रम या सेरिब्रल एरिया में की वेन के अंदर अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, सेरिब्रल एम्बोलिज्म कहलाती है। इसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है, सीवी कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। उसके बाद में रेटिनल एम्बोलिज्म, ये तो हो गया सेरिब्रल। उसके बाद में रेटिनल एम्बोलिज्म, एन एम्बोलिज्म फॉर्म इन रेटिना आर्टरी, रेटिनल आर्टरी, जो आंख में रेटिना होता है वहां की आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वहां अगर एम्बुलेंस बन जाती है तो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन द ब्लड फ्लो ऑफ द रेटिना और इवेंचुअली लीड टू ब्लाइंडनेस, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधा हो सकता है व्यक्ति। तो अगर रेटिनल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आता है, एम्बुलेंस वहां आके फंस जाता है, तो वहां क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकता है। तो ये हो गए एग्जांपल तीन, यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले था पल्मोनरी, उसके बाद में था सेरिब्रम, और था रेटिनल एम्बोलिज्म। तो ये इसके एग्जांपल है, अगर रेटिनल आर्टरी के अंदर होता है तो ब्लाइंडनेस वगैरह कर सकता है,
तो रेटिनल एम्बोलिज्म कहलाता है, सेरिब्रल आर्टरी के अंदर हो जाता है तो एम्बोलिज्म हो जाता है और सीवीए होने के चांसेस रहता है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। और एम्बोलिज्म और मेजर एग्जाम्पल ऑफ सम मेजर एम्बोलिज्म, कौन कौन से मेजर एम्बोलिज्म होते हैं बॉडी के अंदर, कौन कौन से एम्बोलिज्म हो सकते हैं। तो सबसे डेंजर वाला होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मोस्ट कॉमन होता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो लंग्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सिस्टमिक एम्बोलिज्म हो सकता है, किसी सिस्टम में जाके फैट एम्बोलिज्म, फैट का कोई बनना, फैट एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म, कोई एयर से बनना तो एयर एम्बोलिज्म होता है। एमनेटिक फ्लूड एम्बोलिज्म ज़्यादा मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर देखा जाता है। ट्यूमर एम्बोलिज्म, अगर कोई कैंसर सेल बनी हुई है, कैंसर सेल्स बनी हुई है वहाँ से एम्बोलिज्म ना। और लिम्फेटिक एम्बोलिज्म, और लिम्फ वेसल से एम्बोलिज्म बनना, ये कुछ मोस्ट कॉमन एम्बोलस है जो बॉडी में होते हैं। उसके बाद में यहाँ भी डायग्राम में बताया हुआ है कि देखो धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल ब्लड फ्लो, ये तो है नॉर्मल ब्लड फ्लो। वेन के अंदर क्या है, नॉर्मली ब्लड फ्लो ऐसे ट्रेवल करता है और यहाँ पे ये पंप रहते हैं जो ब्लड को ऊपरली ग्रेविटी के एंटी ये अपनी बॉडी के अंदर भेजते रहते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे क्या करता है, ये क्लॉट होने लग जाता है ब्लड, और ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। फिर ये ब्लड इकट्ठा होके यहाँ से दूसरी जगह ट्रेवल करके पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह कर सकता है, और भी कुछ एम्बोलिज्म कर सकता है, सेरिब्रम में कर सकता है या फिर रेटिना में कर सकता है। तो अलग अलग जगह पे जाके, वहाँ पे जाके अगर आगे जाके क्लोट कर दे या रुकआउट कर दे तो वहाँ का एम्बोलिज्म हो जाता है। मोस्टली ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे कॉमन है, ये लंग्स के अंदर आके अटक जाता है। देखो यहाँ पे बताया हुआ, ये ट्रेवल करके यहाँ लंग्स के अंदर वापस जाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किस में ज़्यादा चांसेस है एम्बोलिज्म के, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। दे आर सच डिसऑर्डर विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, हार्ट डिजीज, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, HIV, लेग इंजरी, कैंसर आफ्टर मेनोपॉज। तो इसके अंदर कुछ डिजीज है उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर रहता है। तो एक तो कौन सी होती है, हार्ट डिजीज। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, जैसे हार्ट डिजीज के अंदर कल भी मैंने बताया था कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो वही ट्रेवल करके भी आके फंस सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे भी आके ब्लॉकेज हो जाता है तो भी वो ब्लड सप्लाई को रोक देता है। तो किसी पेशेंट को अगर हार्ट डिजीज है तो उसके ज़्यादा चांस रहते हैं एम्बोलाई बनने के। उसके बाद में क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, जो कल बताए थे मैंने कितने ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर होते हैं, 12 होते हैं ना, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, जो क्या करते हैं ब्लड को क्लोट, हाँ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। अगर उनको किसी ब्लड क्लोटिंग की कोई डिसऑर्डर है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या तो एक्सेसिव ब्लड क्लोटिंग फैक्टर काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है उसे। अगर एक कोई पेशेंट HIV का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और लेग में इंजरी है, पैर में अगर इंजरी है तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद में कैंसर है ना, किसी पेशेंट को कैंसर है तो उसकी वजह से हो सकता है। और मेनोपॉज के बाद में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। एस्ट्रोजन वगैरह ये भी एम्बोलाई बनने के लिए रोल अदा करते हैं। उसके बाद में प्रलॉन्ग फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई फिजिकल इनएक्टिविटी और इमोबिलाइजेशन हो, अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, लंबे टाइम तक वो खड़ा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उनके भी DVT बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। DVT वाले पेशेंट हो सकते हैं ना, तो उसकी वजह से भी एम्बोलाई हो सकता है। उसके बाद में ओल्ड एज में जिनकी एज ज़्यादा है उनको, और प्रेगनेंसी के अंदर, मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी के अंदर भी एम्बोलाई, एमनोटिक एम्बोलाई बनने के चांसेस रहते हैं। और प्रेग्नेंट डिलीवरी होने के बाद में प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर क्या लगाते हैं, स्टॉकिंग वगैरह लगाते हैं पैर के अंदर कि एम्बोलाई का फॉर्मेशन ना हो। तो ये है रिस्क फैक्टर किस किस के अंदर हो सकता है, हार्ट डिजीज वाले के अंदर और ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर वाले के अंदर, HIV वाले पेशेंटों में, लेग इंजरी वाले और कैंसर वाले, मेनोपॉज वाले पेशेंट में, और जो प्रलॉन्ग फिजिकल इनएक्टिविटी करते हैं उनके अंदर, और ओल्ड एज वाले पेशेंट में, और प्रेगनेंसी, इनमें मोस्ट कॉमन चांसेस है। अब है पाथवे ऑफ एम्बोलिज्म। तो इसके अंदर है द एम्बोलिज्म ट्रेवल थ्रू द थ्री रूट्स,
तीन रूट में एम्बोलिज्म क्या करता है, ट्रेवल करता है, तीन रूट के अंदर कर सकता है। एंड तो इसके अंदर फर्स्ट है एंट्रोग्रेड एम्बोलिज्म, फर्स्ट कौन सा है, एंट्रोग्रेड एम्बोलिज्म। इफ द एम्बोलिज्म ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एज द ब्लड फ्लो, अगर जो एम्बोलाई बना है वो जैसे ब्लड इस साइड में बह रहा है उसी साइड में अगर एम्बोलस बहता है या बनता है और वो उसी साइड में बहता है ब्लड क्लॉट बन के, तो वो क्या कौन सा कहलाता है, एंट्रोग्रेड एम्बोलिज्म कहलाता है। इफ द एम्बोलिज्म ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जैसे ब्लड फ्लो बहता है उसी डायरेक्शन में अगर बनता है एम्बोलस तो वो कहलाता है एंट्रोग्रेड एम्बोलिज्म। उसके बाद में सेकेंड नंबर है रिट्रोग्रेड एम्बोलिज्म। इफ द एम्बोलस ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, अगर ये ब्लड फ्लो इस साइड में है और एम्बोलिज्म इस साइड में बन रहा है, उल्टा विपरीत जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है उसके डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेड एम्बोलिज्म कहते हैं। उसके बाद में पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, दे आर आल्सो कॉल्ड क्रॉस एम्बोलिज्म इन विच एम्बोलिज्म एंटर द आर्टरी ब्लड आफ्टर कमिंग इन वेन। इसके अंदर क्या है, ये क्रॉस कर जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये वेन होती है, वेन के बाद में क्या होते हैं, वेन्यूल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनते हैं, और कैपिलरीज से फिर वापस कैपिलरीज, और फिर वो वेन से कहाँ आर्टरी में चले जाते हैं। तो ये एम्बोलिज्म यहाँ बन के ये पूरा क्रॉस कर जाता है, क्या आर्टरी से वेन में चला जाता है या वेन से आर्टरी में आ जाता है, वेन से कहाँ आ जाता है, आर्टरी के अंदर आ जाता है, तो वो कहाँ क्या कहलाता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहलाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड क्रॉस एम्बोलिज्म, क्रॉस एम्बोलिज्म ये क्या है, वेन से आर्टरी में क्रॉस कर देता है। इन विच द एम्बोलिज्म एंटर द आर्टरी ब्लड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वेन, यानी वेन से निकल कर कहाँ चला जाता है, आर्टरी के अंदर चला जाता है। जैसे डीवीटी वगैरह वेन बन के एम्बोलिज्म बन के अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर चला जाए तो एमआई की सिचुएशन आ सकती है ना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर चला जाए, सेरेब्रल आर्टरी के अंदर चला जाए तो स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। तो ये कुछ एम्बोलिज्म है, तीन टाइप के होते हैं, रिट्रोग्रेड जो सेम डायरेक्शन में हो ब्लड के, एंट्रोग्रेड जो सेम डायरेक्शन में हो, रिट्रोग्रेड जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, और प्रोडॉक्सिकल एम्बोलिज्म ये होता है क्रॉस एम्बोलिज्म, यानी वो इंटर करके वेन से आर्टरी में चला जाता है। वेन से कहाँ चला जाता है, आर्टरी के अंदर चला जाता है। तो अब बताते हूँ कि आर्टरी में बनती कैसे है ना, बनती कैसे है, जैसे एक स्टार्ट में ही बताया था मैंने, ये थ्रोम्बस बनती है, थ्रोम्बस बनती है, उसके बाद में क्या करता है, यहाँ से कोई एम्बुलेंस, यहाँ से कोई टुकड़ा टूट के ट्रेवल करता है, वो एम्बुलेंस का रूप ले लेता है, फिर वो एम्बुलेंस का रूप लेके क्या कर लेता है, एम्बुलेंस का निर्माण करता है, और जहाँ पे वेन क्या रहती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है, संकड़ी रहती है, मतलब जहाँ पे वेन, वहाँ पे जाके ये अटक जाता है, और वहाँ पे जाके अटक के वो पूरा रास्ता रोक देता है, ब्लॉक कर देता है उस एरिया को, तो वो एम्बोलिज्म का ये एक पैथोफिजियोलॉजी है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, कि ये क्या करता है, जैसे ये थ्रोम्बस बना उसके बाद में यहाँ से वो ट्रेवल करके कहाँ पे जाके अटक जाता है, जहाँ पे वेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो, पहले से सिकुड़ी हुई हो या हो। उसके बाद में है क्लिनिकल फीचर्स, इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एम्बोलिज्म, साइन सिम्टम क्या है, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द एम्बोलिज्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंड साइट ऑफ एम्बोलिज्म। तो क्लिनिकल फीचर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो किस पर डिपेंड करते हैं, टाइप पे डिपेंड करते हैं और साइट पे डिपेंड करते हैं, उसकी किस टाइप का एम्बोलिज्म बन रहा है, कैसी कहाँ पे उसकी साइट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ द एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्ट्स इन द ब्लड सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलरी ऑर्गन, अगर किसी पर्टिकुलरी ऑर्गन को की ब्लड सप्लाई को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट्स कर देता है, मतलब रोक देता है, तो द सिम्टम आर यूजुअली कन्फाइंड टू दैट पार्ट द डेविड ऑर्गन, दीज सिम्टम आर पेन, अगर वो किसी ऑर्गन को या उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देता है तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी वहाँ का सेंसेशन कम हो जाएगा, नमनेस जैसा फील होगा, और मस्कुलर वीकनेस, वहाँ पे क्या मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, उसके बाद में स्पाज्म या पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, जैसे सीवीए में क्या हो सकता है, सीवीए में पैरालिसिस हो सकता है ना, स्ट्रोक वाली कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को पैरालिसिस आ जाता है, या फिर कहीं पे अगर फीमोरल
वेन वगैरह में हो तो वहां क्या होगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, पेन होगा, नमनेस जैसी कंडीशन मिलेगी, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। तो ये कुछ किस वजह से हो सकता है, अगर एम्बुलेंस का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड सप्लाई को रोक दिया, तो ये ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब अगर फैट या कोलेस्ट्रॉल का हो, अगर फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो उसके कारण एम्बुलेंस हो गया हो, तो ये कैन कॉज साइनोसिस ऑफ द स्किन। वहाँ पे क्या, साइनोसिस ऑफ द स्किन का मतलब क्या है, स्किन क्या बढ़ जाएगी, नीली पड़ जाएगी, है ना, साइनोसिस ऑफ द स्किन। और एयर एम्बोलिज्म कैन बी पार्टिसिपेट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की कंडीशन भी आ सकती है ना, दौरे वाली मिर्गी वाली कंडीशन भी हो सकती है, कैन बी पार्टिसिपेट एयर एम्बोलिज्म। और कोज कार्डियक अरेस्ट और डेथ, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, कि वो एयर एम्बोलिज्म क्या कर देगी, ब्लड सप्लाई वगैरह को रोक देगी, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से और क्या हो सकते हैं, चेस्ट पेन एज ए रिजल्ट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या आएगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा। ये अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके अंदर और क्या हो जाएगा, रैपिड हार्ट रेट। रैपिड हार्ट रेट को क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। अगर हार्ट रेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया कहते हैं। नॉर्मल कितनी होती है हार्ट रेट, 60 to 100 बीट पर मिनट, है ना, बीट पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा, 100 से ज़्यादा हो जाती है तो वो टेकीकार्डिया कहलाती है। उसके बाद में रैपिड रेस्पिरेशन रेट, अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए तो उसको टेकीपिनिया कहते हैं, और नॉर्मल होती है 16 से 20। अगर 20 से ऊपर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, टेकीपिनिया कहलाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या कहते हैं, डिप्सनिया कहलाती है। अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं डिप्सनिया को, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी शॉर्ट हो जाना, ब्रेथ कम आना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सिम्टम लाइक कफ अपेयर्स, उसको क्या होती है, उस खांसी आ सकती है। ये सब सिम्टम किसमें है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर ये ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो चेस्ट पेन होगा, उसको टेकीकार्डिया होगा, और टेकीपिनिया देखने को मिलेगा, डिप्सनिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सिम्टम लाइक कफ अपेयरेंस, खांसी आएगी, कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन देखें तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट CVA हो सकता है, अगर एज ए रिजल्ट ऑफ सेरिब्रल एम्बोलिज्म। अगर सेरिब्रल एम्बोलिज्म हो तो क्या हो सकता है, CVA की कंडीशन हो सकती है। इट्स सिम्टम आर सीवियर हेडेक, इसके अंदर क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा पेशेंट को, डिजीनेस होगा यानी वर्टिगो चक्कर आना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, उसके बोलने में प्रॉब्लम होगी, स्पीकिंग डिफिकल्टी, और इम्बेलेंस इन वॉकिंग, प्रॉपर वो चल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा जब चलेगा, वीकनेस, उसे वीकनेस आएगी और पैरालिसिस हो जाएगा ना, पैरालिसिस जैसे सिम्टम आएंगे। इफ पैरालिसिस इन द लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ बॉडी, अगर लेफ्ट और राइट हाफ ऑफ बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, या तो लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है। तो ये किसके सिम्टम है, ये CVA के अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के अंदर हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, और इम्बेलेंस इन वॉकिंग, उसका बैलेंस नहीं बनेगा चलते टाइम, और पैरालिसिस हो जाएगा। वीकनेस और पैरालिसिस सेम है, या तो लेफ्ट में होगी या राइट बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा। उसके बाद में डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करोगे एम्बोलिज्म को, तो डायग्नोसिस करने के लिए ABG एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं। ABG क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जो आर्टरी से सैंपल लेते हैं एक, उसमें क्या देखते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं, pH देखते हैं, ब्लड pH जो कितना होता है, 3.5 to 7.45 ये होता है ना, pH होता है 7.35 to 7.45, ये होता है pH होता है ब्लड का। ये चेक करते हैं, उसके अंदर O2 चेक करते हैं, CO2 चेक करते हैं, NHCO3 चेक करते हैं, तो ये चेक करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन 90 से 100 के करीब, और CO2 35 से 45 के करीब, और सोडा बाइकार्ब रहता है 18 से 26 के करीब करीब, है ना। तो ये कुछ सैंपल लेते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं, तो उससे
ये ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उससे पता चल जाएगा कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद में चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उसमें पता लगा सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम करते हैं, है ना, कल मैंने बताया था पल्मोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राम करते हैं उसमें भी पता चल जाता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉपलर यानी कलर डॉपलर होता है ये, इसके अंदर भी पता लग जाता है। उसके बाद में ईसीजी करते हैं या ईईजी कर सकते हैं, सेरिब्रल सीवी के अंदर ईईजी करते हैं और ईसीजी कर सकते हैं, ईसीजी पता लगा सकते हैं, और एमआरआई कर सकते हैं, और सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, सीटी कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। तो इस इसके द्वारा हम इस डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोसिस टेस्ट है, एबीजी, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी एंजियोग्राम, डॉपलर ट्रांस अल्ट्रासाउंड, ईजी और एमआरआई। उसके बाद में रिजल्ट अफेक्ट वाइल फॉलोइंग द एम्बुलेंस गेट फिक्स इन द आर्टरी, फिक्स इन द वेरी फाइन वेसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो। अगर कहीं पे ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है तो क्या कंडीशन रहती है, तो रिजल्ट विच फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज कॉम्प्लिकेशन, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एम्बोलिज का, तो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एमआई आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, है ना। एम्बोलिज अगर कहीं कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाके ट्रेवल करके कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया तो क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, गैंग्रीन कर सकते हैं, कहीं पैर की वेन के अंदर और जाके ब्लॉक कर दिया तो वो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक होने की वजह से, नमनेस होने की वजह से वो खराब होने लग जाएगा, तो गैंग्रीन कर सकते हैं। स्ट्रोक, सीवीए, अगर सेरिब्रल आर्टरी वगैरह के अंदर हो गया तो सीवीए कर सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और उसके कारण सडन डेथ हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये एम्बोलिज्म को ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और कल मैंने जो बताया था कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है एम्बुलेंस या थ्रोम्बस बनना, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो कल मैंने बताया थे जैसे कितने होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, आयोनाइज फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, और एक रहता है जो 5 के बाद में 6 जो खाली रहता है, स्टेबल फैक्टर, और 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बिन फैक्टर, स्टूट पावर फैक्टर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइब्रिनोजन क्या हो जाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फाइब्रिन में कन्वर्ट होके क्या बनाता है, स्टेबल फाइब्रिन क्लोट, स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बनाता है। स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बना देता है। तो ये इसमें क्या है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में फिर जाके स्टेबल क्लोट बनाता है। जब कोई चोट लगती है, कोई भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या क्लोटिंग फैक्टर काम करते हैं और क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो ये कन्वर्ट होके ये क्लोटिंग फैक्टर काम करते हैं जो ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो एम्बोलिज्म क्या होता है, एक लिक्विड क्या है, एक लिक्विड गैस और सॉलिड फॉर्म है डक्ट के अंदर, जो क्या है थ्रोम्बस का रूप होती है जो ट्रेवल करके एम्बोलाई का रूप ले लेती है। द फॉरेजन मास इज कॉल्ड एम्बोलाई, और इस प्रोसेस जो एम्बोलाई के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या एम्बोलिज्म कहते हैं। और एम्बोलिज्म क्या होती है, 90% किससे बनती है, थ्रोम्बस से बन जाती है। अब इसका डिवाइडेशन
ये अलग अलग टाइप के थे, मैंने बताया था इन्फेक्शन के आधार पे सेप्टिक और एसेप्टिक है, और सब्सटेंस के आधार पे सॉलिड एम्बोलिज्म रहता है, लिक्विड एम्बोलिज्म रहता है, गैस एम्बोलिज्म रहता है। उसके बाद में मैंने बताया था बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, मतलब किस सिस्टम में बन रहा है, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, तो उसके आधार पे कार्डियक एम्बोलाई, आर्ट्रियक एम्बोलाई और वेनस एम्बोलाई। अगर हार्ट में बन रहा है तो कार्डियक एम्बोलाई, आर्टरी में बन रहा है तो आर्ट्रियल एम्बोलाई, और वेन में बन रहा है तो वेनस एम्बोलाई। उसके बाद में अगर सिस्टम को अफेक्ट करता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर लंग्स में जाके एम्बोलाई बन जाता है, रुक जाता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। और अगर सेरिब्रम एरिया के अंदर रुक जाता है तो सेरिब्रम एम्बोलाई होता है। रेटिनल एम्बोलिज्म, रेटिनल आर्टरी के अंदर अगर एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे रेटिनल एम्बोलिज्म होता है। तो कुछ मेजर एम्बोलिज्म है जो पल्मरी एम्बोलिज्म, सिस्टमिक एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिस्क फैक्टर किस किस के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं, तो हार्ट डिजीज वाले, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर, लेग इंजरी वाले, कैंसर वाले पेशेंटों के अंदर, और प्रेगनेंसी के अंदर, और ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पाथवे के अंदर में बताता है एंट्रोग्रेड, जो ब्लड की सेम डायरेक्शन में होता है वो एंट्रोग्रेड होता है, जो रिट्रोग्रेड, जो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है ब्लड के, वो रिट्रोग्रेड। और प्रोडोक्सियल एम्बोलिज्म क्या होता है कि ये क्रॉस कर जाता है, वेन से आर्टरी के अंदर क्रॉस कर जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, ये उस कहाँ पे ये जो एम्बोलिज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये पर्टिकुलरली एरिया के अकॉर्डिंग होता है तो अगर ये एम्बोलाइज द सिम्टम्स ऑब्टेन, अगर ये सेंसेशन पेन वगैरह देखने को मिलता है, अगर ये कहाँ किसी सिस्टम के अगर हो गया तो मस्कुलर नमनेस, मस्कुलर वीकनेस, स्पाज्म, पैरालिसिस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर फैट और कोलेस्ट्रॉल वाली एम्बोलाई बन रही है तो उसके अंदर साइनोसिस ऑफ द स्किन हो जाता है, एयर एम्बोलाइज बन सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, डेथ हो सकती है। चेस्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो मुस्क के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं चेस्ट पेन, टेकीकार्डिया, टेकीपिनिया, डिप्सनिया, ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। सीबीए के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीबीए के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, इम्बेलेंस, वॉकिंग, वीकनेस, पैरालिसिस जैसे सिम्टम देखने को मिले। कैसे पता लगाओगे कि एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राम कर सकते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह, यूएसजी, एमआरआई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, ट्रीटमेंट मैंने जो कल बताया था, इसके लिए एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं और या फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो एंटीकोगुलेंट के अंदर कौन कौन सी आती है, हेपेरिन वगैरह आती है ना, हेपेरिन, वारफरिन आती है, और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होती है, यूरिक आइनेज, स्टेप्टोकाइनेज कुछ ड्रग्स होती है, वो भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।